नमस्कार दोस्तों, आज हम एंड्रॉइड डायग्नोसिस टर्मिनल गुरानी लर्निंग सेंटर के द्वारा बनाया गया उसका नया वर्ज़न 2.5 के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। नॉर्मली ये RX-TX से कम्युनिकेशन टर्मिनल है जो सिंपल हमारे सिक्योर CRT पुट्टी जैसा ही काम करता है। इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सेस बटन्स दिए हुए हैं जिससे आसानी से आप कुछ फंक्शंस मेन बोर्ड के साथ में कर सकते हो जो हमारे एंड्रॉइड बोर्ड को सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू को रिपेयर करने में काम आते हैं। एप्लीकेशन ऑटो डिटेक्ट करता है कॉम पोर्ट को, आपने अपना USB डिवाइस लगा देना है और वो डिटेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो ऑटो सेट हैं, यहाँ पे आप कुछ चेंज करके देख सकते हो एप्लीकेशन में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे एंड्रॉयड बोर्ड के लिए ये पैरामीटर्स कॉमन हैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस करने नहीं होते हैं। सिर्फ हमारा कॉम्पोर्ट सेट करना होता है कि हमारा USB डिवाइस कौन से नंबर के कॉम पोर्ट पे लगा हुआ है। ये टर्मिनल स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ कंपनी के एमस्टार, मीडियाटेक वगैरह लोगो लगे हुए हैं। कनेक्शंस सही होने पर सबसे पहले हमने स्क्रीन प्रिंट देखनी है। यहाँ से भी आपको बहुत सी रिपेयरिंग के लिए जानकारी मिल सकती है, इसके लिए मेरा डिटेल्ड वीडियो डाला ही हुआ है एमस्टार बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो कंसोल में जाने के बाद में होते हैं, उसके लिए मेन बोर्ड एक्टिव होना चाहिए। जैसे हमने कंसोल 1 बटन लिया जो एमस्टार के लिए है, किसी किसी सेट में पावर ऑन होने के वक्त वो कंसोल में नहीं जाता है तो हमें स्टैंड बाय रिलीज करते हुए कंसोल एंटर होना है। यहाँ पे पावर ऑन होने वक्त वो कंसोल मोड नहीं जा पाया तो हमने दोबारा स्टैंड बाय रिलीज करते हुए कंसोल एंटर करना है। यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार दिखाया है, अगर इसी बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। यहाँ एमस्टार का बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है, उसके लिए कुछ कॉमन बटन्स हैं जो फंक्शन हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी है तो इन बटनों की मदद से आप कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो का खास मकसद है एमस्टार बोर्ड की रिकवरी। रिकवरी मोड के लिए राइट क्लिक दबाना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेनू आपके सामने आएगा जिसमें कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे चेक साउंड, तो यहाँ पर आपको सेट में किस स्पीकर से आवाज़ आनी है तो आपको ऑडियो सेक्शन ओके चल रहा है उसकी जानकारी मिलेगी।
टेस्ट, ये बटन एक्सेस करने पर आपको स्क्रीन के ऊपर लोगो दिखेगा। लोगो हटाने के लिए और यहाँ पर दो रिकवरी फंक्शंस दिए हैं। बहुत से ऐसे सवाल आए हुए हैं कि हमें UART ऑफ बोर्ड अगर हैं तो उसे ऑन करना है, तो ये किसी भी एप्लीकेशन से शक्य नहीं है। आपको एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल कुछ प्रोसीजर कंप्लीट करते हुए ही UART ऑन करना है। तो गलती से भी यहाँ दिए गए UART ऑफ बटन को एक्टिव नहीं करना है। और नॉर्मली हैंग लोगो की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एबनॉर्मल एप्लीकेशन की वजह से होते हैं, जिसे हम फैक्ट्री रिसेट से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्ट्री रिसेट का एक बटन दिया है, जिसे रन करने पर बोर्ड फैक्ट्री रिसेट होगा और नए सिरे से स्टार्ट होगा, जिसकी मदद से हमारा हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम क्लियर होता है। धन्यवाद दोस्तों, गोरानी लर्निंग के साथ में जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। यह एक आत्मनिर्भरता की तरफ मेरा कदम है। हमने खुद ही हमारे काम की एप्लीकेशन जनरेट करनी है। धन्यवाद दोस्तों।